इसके साथ साथ ये मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा इमरान खान साहब की लीडरशिप में, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह सूबा ये आपका सूबा है, आपकी हुकूमत है और मैं आपके साथ हूँ, मैं आप ही का भाई हूँ। और मैंने हर स्पीच में कहा है कि जब मैं सवाबी आता हूँ तो मुझे ये महसूस नहीं होता कि मैं सवाबी में हूँ कि मैं स्वाब में हूँ। ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस वक्त मैं पहला वजीर आला हूं कि मेरे साथ कबायली इलाकाजात के इलाके भी शामिल हो गए हैं। अब सूबा बड़ा हो गया है और वहां पर हमने जीरो से स्टार्ट लिया और इंशाल्लाह उन लोगों के लिए भी हमने काम करने हैं और बहुत से प्रोजेक्ट उनके लिए है। वो इलाका भी इंशाल्लाह तरक्की करेगा। लोग कहते हैं कि आप लोगों ने क्या किया, मैं इनसे कहता हूं जो काम इस सूबाई हुकूमत ने सर अंजाम दिया है वो फाटा का मर्जर, पीसफुल मर्जर, उनके इंतखाबात कराना, उनके 28-30 हजार लेविस को परमानेंट नौकरियां देना, उनको पुलिस में इंडक्ट करवाना और उनके लिए 83 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट लाना, ये किसका कारनामा है? ये प्राइम मिनिस्टर साहब का कारनामा है और मैं उसका एक अदना नुमाइंदा बैठ के इस खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला की हैसियत से ये मेरी और मेरी टीम का कारनामा है और उसमें स्पीकर साहब और सबका अपना किरदार है। तो मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि 5 साल का मर्जर 15 महीनों में कवर करना, मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा कारनामा है। उसमें जराशम पुख्तू के बेसो खबर सरोगम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान सवाबी में जलसे से खिताब कर रहे हैं जिसमें उनका कहना था कि आवाम की उमंगों पर पूरा उतरेंगे।